हाय, वेलकम टू कायरो फिजियो कपल। आज हमारे पास एक और पेशेंट आया है गोरेगांव से। उनको काफ़ी बैक में प्रॉब्लम है, तो जानते हैं उनको क्या तकलीफ है। एक्चुअली मैं ना गाड़ी चला रही थी, तो बारिश का मौसम था, तो गाड़ी ना मेरी पॉट होल में चली गई थी, तो मेरा डिस्क बल्ज हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास दो तीन जगह ट्रीटमेंट कराई, बट मुझे कहीं से रिलीफ नहीं हुआ, और इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि शायद मुझे रिलीफ हो जाए इंशाल्लाह। बाकी बिल्कुल भी आराम नहीं है, और 6 मंथ हो गए मुझे, बिल्कुल अच्छा, रिलीफ नहीं है। वो तकलीफ़ मेरी और बढ़ती जा रही है, फिर पैरों में सेंसेशन हो रहा है, फिर ऊपर भी तकलीफ़ हो जाती है, बिल्कुल भी आराम नहीं, झुकने में दिक्कत होती है, फिर नमाज के लिए इश्यू हो जाता है। जी, ठीक है। तो पैर अपना आपने इसके लिए क्या क्या इलाज कराया है? डॉक्टर्स लोग ने मैंने वो क्या सजेस्ट मेडिसिंस किया? खाया, डॉक्टर ने पहले 10 डे खाने बोला था, तो मैंने वो भी की, फिर एक्सरे सजेस्ट किए, फिर वापस मेडिसिंस, फिर वापस MRI, ये सब किए, बट कुछ रिलीफ नहीं हुआ मुझे। फिर किसी और फ्रेंड ने कहीं और डॉक्टर का भी सजेशन दिया, वहाँ भी उन्होंने मुझे ड्राई कपिंग किया था, वो भी मुझे बिल्कुल रिलीफ नहीं हुआ, वो मेरा ओके। पेन और बढ़ गया उसमें। अच्छा, जी पेन बढ़ गया उसमें, जी और बढ़ गया। ठीक है। तो ओवरऑल आपने तो आपको मैं 5-6 महीने से प्रॉब्लम है, राइट? जी और मुझे फिर YouTube से ही मैंने आपका सजेस्ट किया कि इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँ तो मुझे शायद रिलीफ अच्छा, मिल जाए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ठीक हो जाएगा, कि आपको जनरली आपको बोन डिसअलाइनमेंट है, डिस्क बल्ज हो गया आपको L4 L5 में, तो वो आपको कायरोपैक से ही क्योर होगा एंड वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करें। जी ठीक है, यहाँ पेन होता है आपको? नहीं, यहाँ पेन है, हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ वहाँ पे है, यहाँ यहाँ पे, पे है ना, हाँ ये सब जगह ज्यादा ही है। यहाँ पे? इधर भी होता है, इधर यहाँ पे भी होता है। हाँ बहुत होता है, इधर भी। ओके, ये सब लोअर बैक की वजह से हो रहा है आपको। बॉडी एकदम रिलैक्स रखिएगा, सांस अंदर लीजिए, मुंह से पूरा छोड़िए, लूज एकदम आ गया। एक ही पैर, क्लोज करिए, ऐसे क्लोज करिए, बॉडी एकदम लूज रखिए। अब कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत जोर से पड़ा ना काफी? ठीक बहुत। है, सीधा लेट जाइए। काफी था आपको पता है, खाली साइड करने में एक तो फूट गया था, काफी था आपको। ये देखिए, आपका राइट पे थोड़ा छोटा दिख रहा है, दिख रहा है, छोड़ दीजिए, ये देखो आधा इंच का फर्क है, क्योंकि आप राइट पैर पे ज्यादा वजन देते हो, उस वजह से यहाँ का गैप कम हो गया है। करेक्ट। लूज, एकदम लूज, बस लूज, अभी देखिए बराबर बराबर हो गया। लूज एकदम, बस छोटे छोटे छोटे, बस बस बस, नहीं नहीं बैठ जाइए, पैर इस तरफ और उठिए ना, तो एक साइड करवट लेके उठिए, डायरेक्ट ऐसे मत उठिए, लोअर बैक में आपको और आएगा पेन, लेफ्ट साइड करवट होने का फिर लोअर से थोड़ा सुन्नत भी है, जी तो हमेशा वैसे ही उठिए, ओके इस साइड से रखिए, उस साइड पर रखिए, स्विच सर, यस, और करवट लेके ऐसे पैर स्ट्रेट, कमर आगे ले लो, बस पैर स्ट्रेट,
इट वॉज परफेक्ट, अच्छा लगा ऐसा. अच्छा लगा. इतना डिसलाइमेंट हो गया एयरपोर्ट का, तो कैसे जरा भी मूवमेंट होने में फुट रहे हो, मतलब जैसे आप इतना ही चाहते हो. जनरली ज़्यादा है मतलब. हाँ तकलीफ ज़्यादा है, क्योंकि लोअर बैक वाले जो भी मेरे पास पेशेंट आते ना, वो जनरली इतना तो जा ही पाता है, पूरा नहीं जा पाता. आपका इतना ही अटक गया है, क्योंकि काफ़ी ऐसा आपको जरा खाली साइड भी मैं कर रहा हूँ तो फुटे जा रहे हैं, मतलब डिसलाइमेंट उस हद तक गया है. तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योर हो जाएगा वो, पर हमें सीटिंग्स लेनी पड़ेंगी. तो वैसे हो जाएगा, थोड़ा पोस्चर मेंटेन करोगे. हम आपको पोस्चर मेंटेन्स का ट्रिक्स बताएंगे, वो आपको कैसे रखना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे आपका वर्क लाइफ स्टाइल चलाना है, तो उस तरीके से आपको मेंटेन करोगे तो जल्दी रिकवरी होगी. ठीक है, सीधा होना चाहिए, लूज सीधा. एकदम लूज रखिए. मुझे तो मजा ही आ रही है. अच्छा था. हाँ एकदम लूज रखे हैं. गुड. सर उठाइए, छोड़िए. बॉडी एकदम लूज रखिएगा. ओके एकदम रिलैक्स. यस हैंड स्ट्रेट, एकदम रिलैक्स. नॉर्मल स्ट्रेचिंग है सिर्फ. सांस लीजिए, छोड़िए. बस रिलैक्स रिलैक्स. नीचे तक गया प्रेशर? नहीं. कहाँ तक फील हुआ? हाफ ऑफ द. अच्छा ठीक है, थोरासिक तक गया, मतलब हाफ बैक तक गया ना. हाँ ठीक है, परफेक्ट है. ये ना आपकी पूरी स्पाइन की बोन को अलाइन कर देगा, तो आपको जो लोअर बैक का भी है ना, उसको भी काफ़ी हद तक ये अलाइन करेगा. लोअर बैक का तो वैसे ही फूट गया, इसमें भी आपका थोड़ा और तरीके से ओपन कर देगा बोन्स को, तो अच्छी ब्लड सप्लाई हो जाएगी. ठीक है, यू फीलिंग गुड? थोड़ा लेटे रहिए ताकि ब्लड फ्लो चलता रहे बॉडी में. पीछे नीचे और फिंगर अपने यहाँ एंड फिंगर लॉक करिए. फिंगर लॉक ऐसे लाइक दिस. करेक्ट. एल्बो आपको एल्बो क्लोज करिए. अब आपको पीछे नहीं आना है. ओके आपको पैर वहीं पर रखना है, सिर्फ मेरे पे लीन होना है. बॉडी रिलैक्स. प्रॉब्लम ज़्यादा है ना इसकी वजह से. प्रॉब्लम ज़्यादा है उस वजह से. तो आपको कैसे एक सिटिंग में इतना रिजल्ट नहीं हो, डे बाई डे करते करते आएगा, क्योंकि आपको इतना मंथ हो गया है, पर उसमें आपको पेन इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई है. जैसे किसी लोग को ये लेवल पे पहुँचने के लिए 2-3 साल लगता है, आपको 5-7 महीने में ही हो गया. मे बी ये रीज़न हो सकता है कि आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराई है वहाँ पर, जैसे कपिंग हो गया है, आपने और भी बहुत कुछ ट्रीटमेंट्स वहाँ पर लिए हैं, तो वो ट्रीटमेंट की वजह से भी हो सकता है कि आपकी इंजरी थोड़ी और बढ़ गई है. जैसे आपने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट लिए, सारी मसल ट्रीटमेंट लिए, क्योंकि आपको बोन डिसअलाइनमेंट है, आपने ट्रीटमेंट सारी मसल्स के लिए है, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि बोन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, मतलब जो ऑलरेडी डैमेज था उसको और डैमेज हो गया. वो भी वन ऑफ द रीज़न है कि उस वजह से आपको रिजल्ट हो जाएगा. ठीक, कोई इशू नहीं है, ऐसे ज़्यादा क्रिटिकल केस तक हमने ठीक किए हैं, पर ये भी हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, कैसा लग रहा है अभी आपको पोस्ट सेशन?
फर्स्ट सेशन तो बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छे से किए, बॉडी ने एकदम वार्मनेस फील हो रही है, बस थोड़ा सा जो बैक का इशू वो थोड़ा हो रहा है, बाकी बॉडी एकदम फ्री लग रही है। सेशन बहुत अच्छा था। अभी आपको आउट ऑफ 10 जैसे 9.5 आप बोल रहे थे, तो उससे आपको कुछ हल्का लग रहा है? हाँ, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, कम लग। इंशाल्लाह अभी तकलीफ ज्यादा है तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, हाँ, वो है। बट यू आर फीलिंग सैटिस्फाइड? या आई एम 100% सैटिस्फाइड। थैंक यू। इंशाल्लाह आई विल कम ऑन द नेक्स्ट सेशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पेन, डोंट गो फॉर द ऑपरेशन, यू कैन कम टू द सर, ही इज वेरी यूजफुल एंड ही विल कोऑपरेट वेरी वेल एंड ही इज वेरी गुड इन नेचर। थैंक यू। थैंक यू।